बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत स्वादिष्ट। इतना इजी रेसिपी दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और झटपट से कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच सरसों ऑयल डाला है। इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने कट करके इस तरह से डाल दिया है। तीखा अपने अनुसार ले लीजिएगा। मैंने 2 ही मिर्च डाला है। आप 2 टमाटर डाल देना, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देना। 15 से 20 मैंने यहाँ पर काजू ले लिया है। 1 बड़ी इलायची लिया है। 2 से 3 मैंने लौंग लिया है दोस्तों। 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर काले मिर्च लिया है। ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाए, ये गल जाए टमाटर वगैरह प्याज वगैरह। अचानक से ना मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आया कि मैं जल्दी में क्या बनाऊं, तो मैंने यही वाली रेसिपी बनाया था दोस्तों। और तभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि ये वाली रेसिपी ना बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस इतना ही करना है और इसको ठंडा करने के बाद ना इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना पनीर मैंने 250 ग्राम लिया था और आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से क्यूब में कट कर लिया है। इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। और तो चलिए बनाते हैं पनीर की रेसिपी। तो मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा डाल करके जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना पेस्ट, बस वही डाल देना है दोस्त। ऑयल की जगह में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं सरसों ऑयल से बना रही हूँ। और यहाँ पर ना ऊपर 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है दोस्तों और 1 चम्मच अच्छे से मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। तो इन सबको डाल करके अच्छे से देखिए धीरे 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 करके हमें ना इसे चलाते रहना है। इसमें काजू का भी पेस्ट पड़ा है ना साथ में, तो हमें इसे थोड़ा सा चलाते रहना है। अब फिर इसके बाद ना हम इसे लो फ्लेम में करके ढक देंगे ताकि हमारा सारा जो मसाला है ना अच्छे से पक जाए। उसके बाद क्या करना है ना, हल्का सा हमने यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लिया है। इसमें हल्का सा हल्दी डाल करके ना इसको थोड़ा सा दोस्तों मैंने फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर ना दोस्तों मैंने खट्टी वाली दही ले लिया था, 10 रुपये पैकेट जो मिलता है ना वही, उसी को मैं इसको अच्छे से यहाँ पर फेंट ले रही हूँ क्योंकि यह ग्रेवी में पड़ने वाला है। तो दोस्तों हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है हमारे मसाला को, क्योंकि नीचे से पकड़ ना जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगता है, तो थोड़ा हमें बीच बीच में ना इसे चेक करते रहना है ताकि जले ना और मसाला भी ना अच्छे से पक जाए दोस्तों। जब भी आपको जल्दी से कुछ स्पेशल बनाना हो ना दोस्तों, तो आप ये वाली रेसिपी एक बार ट्राई करके देखना। बहुत ही सिंपल तरीके से घर के बेसिक चीज़ों से बन जाएगी दोस्तों। तो मैंने ना इसे और 2 मिनट के लिए ढक दिया था और अच्छे से पकने के लिए। तो देखिए हमारा ऑयल ना लगभग छोड़ दिया है मसाला से, तो हमारा मसाला देखिए लगभग पक ही गया है। तो यहीं पर दोस्तों जो हमने दही फेंट करके रखा है ना उसे मैंने डाल दिया है। तो दही डालने के बाद हमें इस प्रोसेस का ध्यान रखना है कि हमें इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है दोस्तों, और वो भी लो फ्लेम में करके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देंगे ना लो फ्लेम में। तो देखिएगा फाइनली हमारा ना ये पनीर की जो मसाला है ना वो हमारा पक चुका होगा। और यहीं पर मैं दोस्तों पानी डाल दे रही हूँ। मैंने वही वाला पानी डाला है दोस्तों फ्राई करने के बाद पनीर को, जो गुनगुना पानी में डालते हैं ना, तो मैंने वही वाला पानी डाल दिया है। क्यों पानी वेस्ट करें, वो पनीर का पानी ऐसे भी हेल्दी होता है। तो बस इसको डाल करके मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक दिया था ताकि बढ़िया से हमारा मसाला फाइनली पक जाए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला लगभग तैयार हो गया है। तो यहीं पर जो हमने पनीर रखा था ना, बस वही इसे यहाँ पर डाल देंगे। देखिए इस तरह से मैं पनीर को डाल दी हूँ। तो बस यहाँ पर दोस्तों हमारा लास्ट काम जो बचा हुआ है ना, थोड़ा सा इसे हम मिला लेंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए ना आप ढक के छोड़ सकते हैं, और ताकि मसाला बढ़िया से सब में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर ना हमें क्या डालना है, कसूरी मेथी अगर हो ना आपके पास तो आप ज़रूर डालिएगा। इससे ना क्या है ना, स्वाद बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है। तो बस इसको निकालने के बाद ना दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी, भुना हुआ कसूरी मेथी है। देखिए इस तरह से आप इसमें डाल दीजिएगा। और अगर घर में आपके पास गरम मसाला का पाउडर है ना, खुद का बनाया हुआ, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था।
उसके बाद ना दोस्तों घर में दूध था, तो ऊपर में मलाई जो जम जाता है ना उसको ही मैंने निकाल करके अच्छे से फेंट लिया था और ऊपर से मैंने इस तरह से देखिए डाल दिया था। तो इस तरह से जब आप डालेंगे ना आपका पनीर का जो स्वाद है ना दोस्तों बहुत ही गजब का आएगा। और इतने में सिंपल तरीके से आप घर में गेस्ट को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, इतना बढ़िया सा पनीर का रेसिपी बन जाएगा, पनीर मसाला की रेसिपी कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो इस तरह से आप बना करके रोटी के साथ, चपाती के साथ, पूरियाँ के साथ, किसी के साथ भी खाइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता को गार्निश कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों पनीर का जो टेक्सचर है कितना क्रीमी लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना, कम से कम चीज़ों में कितना आसान तरीके से बन गया ना ये रेसिपी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।